नमस्कार जी, राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आयुषी शेखावत। स्वागत है आपका जयपुर सिटी में। खबरों का रुख कर लेते हैं। एसएमएस अस्पताल से अपहृत बच्चा दस्तयाब। आपको बता दें, पुलिस ने किया 4 महीने के बच्चे दिव्यांश को दस्तयाब। अस्पताल से एक युवक ले गया था बच्चे को अपहरण करके, और एसएमएस सीसीटीवी में दिखाई दे रहा था आरोपी युवक। पुलिस ने 4 दिन की मशक्कत के बाद बच्चे को दस्तयाब किया। ये सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं जयपुर से। ये लाइव तस्वीरें जहां आप तस्वीरों में देख सकते हैं 4 महीने का ये बच्चा जो कि एसएमएस अस्पताल से जिसका अपहरण हो गया था। और राजस्थान जी, राजस्थान पर ये सबसे पहले तस्वीरें सामने आई है। आप तक हम ये तस्वीरें जयपुर से पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें एसएमएस अस्पताल में ये चार साल का ये जो बच्चा है दिव्यांश, इसका अपहरण हो गया था। और अब 4 दिन में कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने बच्चे को दस्तयाब कर लिया है। ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जयपुर से हमारे संवाददाता दीपक गोयल लाइव जुड़ चुके हैं। दीपक, 4 दिन की कड़ी मशक्कत और फाइनली बच्चा दस्तयाब कर लिया गया है, किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है? क्या परिजनों में थोड़ी सी अब सुख शांति है? देखिए, करीब 72 घंटे के बाद आज दादी को अपना पोता को दुलार करने का मौका मिल रहा है, माँ को अपना बच्चा मिल गया है और दिव्यांश को अपनी दादी करीब 72 घंटे बाद अपने हाथों से यहाँ दूध पिला रही है। तस्वीरें अभी जो कह सकते हैं एडिशनल पुलिस कमिश्नर है जयपाल लामा, उन्होंने जानकारी दी कि किस तरीके से उन्होंने को सूचना मिली थी किस तरह से इस बच्चे को दस्तयाब किया है। और जो आरोपी है वो उसके 4 बच्चियां हैं और वो पुत्र मोह में ये दादा दादी जब अस्पताल में थे, इसका जो बड़ा भाई जो एडमिट है उसको विश्वास में लेकर इस बच्चे को किडनैप किया। हमारे साथ दादी जी हैं, कितना खुश हो आज? आज बड़ी बड़ी की दिल खुश हो गई, आत्माएं खुश हो गई। मैं पोते ने पहचान लिया, मेरा पोता मिल गया। बड़ी मेरी आत्मा खुश हो गई, दिल राजी हो गया। बड़ी खुश, धन्यवाद। दादा भी हैं, आज आपका पोता मिल गया, क्या कहेंगे, कितनी खुशी? बहुत खुशी है भैया हमारा। अच्छा, सबको आज जोड़ के विनती करता हूँ, पुलिस मीडिया वालों को सबको धन्यवाद। धन्यवाद सभी को, आज धन्यवाद। ये दादा दादी हैं, इन्हीं के यहाँ जी दीपक, अगर यहाँ पर हम बच्चे के स्वास्थ्य की बात करें तो बच्चे का स्वास्थ्य कैसा है और आरोपी से जुड़ी क्या कुछ जानकारी अभी तक मिल पा रही है? ये जो हमारी स्पेशल टीम है उनके मेंबर द्वारा जो महेशनगर SHO और इधर हूँ मैं सुन जी, इनके जिनके द्वारा फोटो के आधार पे जो अपने चौकड़ी पे जो ठेकेदार वगैरह हैं उनसे उनको दिखा के उसमें से एक ने पहचान की, उसके द्वारा इसको सर्च करते करते इसको वहाँ से दस्तयाब किया इसी घर से। सर कितनी टीमें लगी थी पूरी टोटल? टीमें तो ऑलरेडी कमिश्नरेट में सारी लगी हुई थी, CP साहब के आदेश थे सभी गई, और इसमें हमारी जो चवर्थ स्तर की जो टीम थी, इसमें महेशनगर थाना की जो स्पेशल टीम है जो इंचार्ज साहब के नेतृत्व में लगी थी, उसको जो कांस्टेबल भीम सिंह है विशेष तौर पे, उसने उसको दस्तयाब करने में मेन भूमिका रही। भीम सिंह, आप सर किस तरीके से बच्चे को दस्तयाब किया? सर मैं महेशनगर थाना प्रभारी हूँ जी। सर कमिश्नरेट में जब ये SMS से बच्चा चोरी का प्रकरण हुआ तो कमिश्नर साहब की तरफ से सभी को ये निर्देश थे कि ज़्यादा से ज़्यादा इसकी फ़ोटो वायरल करके तलाश करावें, जिस पर हमारे कांस्टेबल भीम सिंह को उसकी पहचान करने में जनता से मदद मिली और पहचान करने के बाद उसने उसकी रहने की जगह को तलाश करके वहाँ से मुलजिम को और बच्चे को सकुशल दस्तयाब कर दिया। सकुशल दस्तयाब यहाँ पर किया गया है बच्चे को, और जो तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं कि जो दादी है और वो अपने पोते को है आज दूध पिला रही है करीब 72 घंटे के बाद, और भीम सिंह है जिन्होंने इस पूरी इसमें उनको जो मुखबिर है उनसे सूचना मिली थी, ये इस पूरी टीम के हीरो है। भीम सिंह जी, किस तरह से सूचना मिली आपके मुखबिर के जरिए और बच्चे को? 11:30 बजे एक इन्फॉर्मेशन आई मेरे पास कि ये जो उलिये का जो आदमी है मेरे मुखबिर के जरिए बताया कि भाई ये वो हो सकता है, आप मेरे से मिलो। उसी टाइम पे रात को 12:00 बजे उनसे मिला। मिलने के बाद सुबह जहाँ जिस जगह ये रहता था वहाँ मैं गया, तो ये 5-6 दिन से वहाँ से गायब था। फिर इसके जिससे जो भी लोग संबंधित थे उन सबसे मैंने जानकारी ली कि ये कहाँ का रहने वाला है, क्या इसके बारे में इसका पता करते करते मैं इनके
संबंधित से मिलते हुए जहाँ पे ये काम किया एक डेढ़ महीने पहले तक, वहाँ के फुटेज भी मैंने देखे तो इसकी फोटो मैच खा गई। अच्छा। मेरे को क्लियर हो गया। क्लियर होने पे फिर जो भी इसके ठेकेदार थे, जो काम करने वाले थे, उनके बारे में पता करके और इसके वहाँ ठिकाने पे पहुंचे जहाँ बच्चा किराए के मकान, हाँ किराए के मकान में रहना बता रहा है। अच्छा, पे इसकी बच्चियाँ हैं क्या क्या? नहीं, इसके फैमिली थी, फैमिली तो उसको पता चला कि भाई इसकी बच्ची थी और बच्ची के चक्कर में ये इस बच्चे थे नहीं, इसलिए इसने ऐसा किया, इतनी जानकारी है बाकी। अच्छा, ये भीम सिंह है महेशनगर के कांस्टेबल, इन्होंने इनको सूचना मिली थी मुखबिर के जरिए कि जो आरोपी है वो यहाँ रहता है रिको इंडस्ट्रियल एरिया में, और करीब 40 टीमें इसमें लगाई गई थी। और जिस तरीके से एडिशनल जो पुलिस कमिश्नर है अजय पाल लांबा, वो जानकारी दे रहे थे कि टीमों को दूसरे राज्यों में भी भेजा गया था। साथ में दूसरी बड़ी चीज़ है कि सवाल ये भी है कि SMS जैसे बड़े अस्पताल में CCTV की जो कैमरे की जो क्वालिटी है या ख़राब होने के कारण इतना उनको समय इसको दस्तयाब करने में लग गया, लेकिन आज पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। और साथ में जो दादा दादी जिनका जो पोता था और जो माँ थी जो लंबे समय से अपने बेटे का इंतजार कर रही थी, आज माँ का जो दुलार है उसको मिल पाया। जी बिल्कुल दीपक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। SMS अस्पताल पे भी तमाम सवाल खड़े हुए।